कोशिश किया है, मतलब 100% सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन उतना सारा इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारा हमने हेडिंग का सीखा था, हेडिंग में क्या होता है, H1 से लेके H6 तक होता है, स्टार्टिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, और उसके अनुसार आपका ये हेडिंग जनरेट होता है उनके साइज को। ये हमारा पैराग्राफ था, और पैराग्राफ के साथ जब हम BR को यूज करते हैं तो लाइन ब्रेक होता है। ठीक है, तो अगर आप ये HTML में कोड लिखेंगे तो ऐसा आपका आउटपुट दिखेगा, ये आपका रिजल्ट होगा। तो इसमें बिल्कुल बाएं साइड में आपका कोड है और दाहिने साइड में आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ आइटम्स है, जो OL आप यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट के लिए, ऑर्डर लिस्ट के बाद LI यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका लाइन बन जाता है 1 2 3 4, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट किया है OL। सिमिलरली ये आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जब भी हम OL के जगह पे UL यूज करेंगे तो ये बुलेट पॉइंट बनेगा। तो जो हमने सीखा है उसी को हमने यहाँ पे समराइज किया है, सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा HTML का कोड है, ये हमारा रिजल्ट है, यहाँ पे हमारा इमेज रिलेटेड है। इमेज में क्या होता है, इमेज का लोकेशन देना पड़ता है, जिस इमेज को आपको अटैच करना है तो वो आपका इमेज आपके वेब पेज पे आ जाता है। सिमिलरली ये सारे कुछ हैं जो हमने सीखा था, और ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसमें देखिए थोड़ा सा मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इसमें अगर जो भी इस तरह से रेफरेंस दिया जाता है, ये सेम पेज में लिंक होता है, सेम पेज, पेज बदलता नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा है हाइपर रेफरेंस इक्वल टू कंट्रीज, तो ये क्या होता है, जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ए टैग का मतलब क्या होता है, वो लिंक देता है, और जब भी आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे इस पूरे पेज में वो देखेगा कहाँ पे ये लिखा हुआ हैश कंट्रीज, राइट। इसको हम लोग हैश बोलते हैं, हैश साइन जो शुरू में लिखा गया है, तो जहां पे भी इसको हैश कंट्री दिखेगा ये वहीं पे आपको लेके चला जाएगा। तो अगर आप देखेंगे हैश कंट्री कहाँ पे है आपका, यहीं पे है हैश कंट्रीज, यहाँ पे है, और ये विदाउट हैश है कंट्री आईडी, तो यहाँ पे लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे माइक्रोनेशन है, माइक्रोनेशन ये देखिए कहाँ पे यूज हुआ है, तो माइक्रोनेशन आपका पेज पे यहाँ हुआ है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आईडी इक्वल टू जहाँ पे भी माइक्रोनेशन होगा। यहाँ पे हमारा हाइपर रेफरेंस है, यहाँ पे लिंक बनेगा, और ये आपका मूव करेगा जहाँ पे भी उसका आईडी वैल्यू होगा, दैट इज टाइटल। तो ये हमारा लिंकिंग है सेम पेज, जिसको हम लोग बोलते हैं सेम पेज में लिंक करना, पेज नहीं बदलेगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ये कंट्रीज है, सिटीज है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे गो टॉप तो आप ऊपर आ जाएंगे, इस तरह से वो हाइपर लिंक दिखेगा। हाइपर लिंक मतलब उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं पेज पे लेके जाएगा। ये आपका टेबल स्ट्रक्चर का था, हमने देखा था टेबल TRTD, कि टेबल से हम लोग रो बनाते हैं, रो के अंदर में हम लोग सेल बनाते हैं, तो ये सेल का एग्जाम्पल है, कैसे आप सेल बना रहे हैं, आपके डिपेंडिंग ऑन दैट कैसा आप चाहते हैं, आपका हेडर के लिए आप हेडिंग देते हैं, यहाँ पे आपका हेडिंग बनता है, ये सारा चीज आपका टेबल का स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है, ये आपका कंप्लीट टेबल स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा HTML का ये डॉक्यूमेंट था, और दूसरा एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास जो है फॉर्म रिलेटेड, क्योंकि फॉर्म में हमें बहुत कुछ करने का जरूरत पड़ता है, एंड ये हमारा फॉर्म है। अगर आप फॉर्म में देखेंगे तो आपका सबसे पहले फॉर्म टैग से चालू होता है, फॉर्म टैग से कंप्लीट होता है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से बनेगा टेक्स्ट बॉक्स प्लस बटन। यहाँ पे अगर प्लेस होल्डर करेंगे तो प्लेस होल्डर और टेक्स्ट में अंतर यह है कि प्लेस होल्डर के बाद जो भी आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे वो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जैसे इंटर योर नेम, बाकी सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है। ये आपका लेबल है, जहाँ पे लेबल में हमने केवल लेबल यूज किया है, स्टार्ट टैग एंड टैग, और कुछ भी यूज नहीं हुआ है। अगर आपको मल्टी लाइन, अगर एक से ज्यादा लाइन के लिए लिखना होगा तो आपको ये यूज करना पड़ता है, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ पे आप मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। ये आपका ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन जब भी बनाना होता है उसमें आपको लिखना रहता है सेलेक्ट, उसके बाद ऑप्शन देना रहता है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 3 4, एप्पल ऑरेंज मैंगो, तो वो आपके ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। तो सारे कोड्स को दिया गया है, आप जब भी चाहें इसको रेफर कर सकते हैं। आप यहां से, इस तरह से हमने देखा था कि कोड कैसे वर्क करेगा,
सिंपल सा बात है, लेबल के बाद आप बीआर करेंगे, लाइन ब्रेक होने लगेगा और इस तरह से आपका डिजाइन बन जाएगा। फॉर्म में आपका एक ऑप्शन होता है फिल सेट प्लस लीजेंड। फिल सेट का काम होता है केवल आपके फॉर्म के कंटेंट को एक जगह ग्रुप करना, जैसे ये हमारा शिपिंग एड्रेस हो गया जहां पे हम कोई भी चीज शिप करना चाहते हैं। अब यहाँ पे लेजेंड देंगे, लेजेंड देने से क्या होगा कि उसके ऊपर वो लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शिपिंग एड्रेस। अगर लेजेंड ऊपर वाले में देखेंगे यहाँ पे लेजेंड नहीं है, फिल सेट है लेकिन लेजेंड नहीं है, यहाँ पे फिल सेट के साथ लेजेंड है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये पूरा आपका बना हुआ है, अलग अलग सेगमेंट बनाए। ये आपका टेस्ट एरिया है, ये आपका ड्रॉप डाउन है, ये बटन है, ये सारी चीजें आपके बने हुए हैं। इसके अलावा आपके और एक दो स्पेशलाइज होते हैं, पासवर्ड। अगर पासवर्ड किसी टेक्स्ट बॉक्स को करेंगे तो उसमें कुछ भी लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। उसके अलावा एक और था जो इसको हम लोग चेक रेडियो बटन बोलते हैं या ऑप्शन बटन बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होगा, इनमें से कोई एक ही सही होगा, यस करेंगे या नो करेंगे या मे बी करेंगे, तीनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। हेलो, तीनों पसंद कर सकते हैं, एप्पल, बनाना और है, तो आप मोर देन वन सिलेक्शन कर सकते हैं, इसलिए तो चेकबॉक्स बोलते हैं। अगर आपको कहीं पे डेट एंड टाइम दिखाना है कि डेट पिक करना है, तो वहां पे आप इनपुट टाइप इक्वल टू डेट करेंगे, उसके बाद कब से लेके कब तक का डेट रेंज दिखाना चाहिए, यहाँ पे हमने 1950 से लेके 2000 तक दिखाया है। अगर मान लीजिए मुझे 2000 से लेके 2030 तक दिखाना होगा तो मुझे कहाँ चेंज करना होगा, कोई बताएगा? ये जो डेट है इसमें 2000 से चालू होना चाहिए और 2030 तक जाना चाहिए, तो कहाँ चेंज होगा कोड में? हाँ, इनपुट टाइप तो डेट होगा, यहाँ मीन इक्वल टू जो 1950 है ये हो जाएगा 2000, और जो मैक्सिमम है वो 2000 से लेके 2030 हो जाएगा। तो 2030 12 31 कर सकते हो या 2030 11, तो जब भी आप इस पे क्लिक करोगे तो केवल वही डेट दिखाई देगा, ठीक है, समझ गए? इस तरह से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो जो कैलेंडर में क्या दिखना चाहिए। अगर मान लीजिए कई जगह पे आपका होता है कि बोलता है कि फोटो अपलोड कीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, तो उसके लिए कैसे बनता है, तो यहाँ पे चूज फाइल करके आता है, उसके बाद आप अपलोड करते हैं, तो उसका जो टाइप होता है इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, तो जब भी फाइल करते हैं उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट इक्वल टू लिखा हुआ है कि क्या क्या ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये केवल इमेज पीएनजी और जेपीजी एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा कोई और एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप कर देंगे कि पीडीएफ अपलोड हो, वर्ड डॉक्यूमेंट हो, तो उस तरह से वो अपना पिक कर सकता है। तो ये फाइल अपलोड करने के लिए है। और लास्ट में आपका एक नंबर करके भी है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेल, तो टेल करेंगे तो वो टेलीफोन नंबर को स्टोर करने के लिए वो यूएस फॉर्मेट में स्प्लिट कर देता है। ये आपका कंट्री कोड हो गया, फिर 3 लेटर, फिर 4 लेटर, फिर 3 लेटर्स, डिपेंडिंग ऑन दैट जो भी फॉर्मेट में आप स्टोर करना चाहते हैं, तो ये आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है, अब जो हमें काम करना है, आप इसको मोबाइल में रख के ओपन करके देख सकते हैं, ये ग्रुप में मैंने पोस्ट कर दिया है। अब जो नेक्स्ट हम लोग काम करने जा रहे हैं, वो हम लोग काम करने जा रहे हैं, हमें ये पेज बनाना है, पेज दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसका HTML कोड लिखना है। इस पेज में क्या है हमारे, आपको ये दिख रहा है स्पाइडरमैन, ये क्या है ऊपर वाला जो दिख रहा है, ये कौन सा HTML का टैग है, कौन बताएगा? कौन सा? H1, बहुत अच्छा, गुड जॉब, ये H1 है, ये भी आपका हेडर है, लेकिन ये छोटा है, 3 या 4 होगा या 5 होगा, आप देख सकते हैं कौन सा है, बट ये भी हेडर है। ये जो लिखा हुआ है स्पाइडर मैन इज अ सुपर हीरो और यहाँ तक कॉमिक्स बुक, ये क्या है, ये किस टैग के अंदर में लिखा गया होगा? पैराग्राफ है, ये पी टैग है, ये फिर हेडर है, ये जो तीन दिख रहे हैं ये क्या है, ये जो तीन दिख रहे हैं बुलेट के पॉइंट के साथ, यूएल है, हाँ यूएल के बाद आपका हाइपर रेफरेंस भी है, ए भी है, यूएल है, यूएल में एल आई है,
एल आई के बाद आपका ए है और हाइपर रेफरेंस इक्वल टू जो भी होगा, तभी यहाँ पे लिंक बना हुआ है, ठीक है। लिंक तभी बनेगा जब उसमें ए टैग यूज किया गया, ए एच आर ई एफ इक्वल टू रेफ इक्वल टू जो भी आप देंगे, ठीक है। और ये सेम पेज इंटीग्रेशन है, तो आपको जो हमने देखा है आपको ये रेफर करना होगा, ये बनाने के लिए आपको जो हमने सेम पेज इंटीग्रेशन में दिखाया है वो कोड आपको लिखना पड़ेगा एल आई के अंदर में ए रेफरेंस की जगह पे। तो जहां पे भी आपका रेफरेंस होगा, जहां पे भी ऐसे लिखना होगा। अब इसको मान लीजिए यूएल में डालिए, यूएल के अंदर एल आई डालिए, और यहाँ पे जो भी है नाम, जैसे हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, यहाँ पे लिखा है टॉबी, यहाँ पे एंड्रू एंड टॉम, टॉम हॉलैंड। तो आपको अपने कोड में क्या लिखना होगा, ये पहला में यहाँ पे लिखना होगा हैश के साथ लिखना होगा टॉबी, टॉम हॉलैंड और जो भी तीन नाम है। उसके बाद जहां से आपका वो हेडर चलोगा वहां आईडी इक्वल टू वो लिखना होगा, ठीक है। तो इससे आपका लिंक बन जाएगा और ये आप जब क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका पेज जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे टॉबी वाला जहाँ पे चालू हो रहा होगा, ये टॉबी मैगर, तो यहाँ पे आ गया। एंड्रू गैरफिल्ड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वहां से जंप करके और नीचे में यहाँ पे आ गया एंड्रू का, ठीक है। तो वहां से आप देख करके कर सकते हैं। तो ये आपका हाइपरलिंक है, ये भी आपका हेडर है। फिर ये क्या है, 1 2 जो दिख रहा है, वो आई है। हाँ ये ओएल है, ऑर्डर लिस्ट है। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर में ये हो सकता है आपका लेवल हो, या हो सकता है आपका ये H1 H2 नहीं है क्योंकि ये बोल्ड नहीं दिख रहा, राइट। तो मोस्ट लाइकली हो सकता है ये पैराग्राफ हो, पी हो, और उसके बाद ये क्या है, इमेज है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको दो इमेज दिख रहा है, एक इमेज यहाँ दिख रहा है, एक इमेज यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आपको इमेज को भी लिंक करना होगा, HTML टैग दे करके आप लिंक करेंगे। एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, चूंकि यहाँ पे दो इमेज है तो जनरली आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर में रो बनाएंगे, और रो का जो एक टीडी होगा उसमें पहला इमेज और दूसरे टीडी में दूसरा इमेज आप सेट करेंगे। क्योंकि अगर आप केवल सिंपल इमेज लिंक करेंगे तो वो ऊपर से नीचे लिखेगा, साइड बाय साइड नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं कैसा बन रहा है, और जहां पे हेल्प होगा आई विल हेल्प यू आउट। ये आपका वो सिंगल इमेज है, हाँ फर्स्ट में जो आपने H1 दिखाया उसके बगल में सारे स्पाइडरमैन का छोटा सा लोगो था वो कहाँ से आ गया? हाँ ये आइकन है, पता नहीं ये आइकन उन्होंने कहाँ से लिया है। तो आइकन को अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब हम देखेंगे बाद में कि वो यूजुअली ये मुझे लगता है कि कोई आइकन शॉर्टकट की होगा जहाँ से लिया है या कुछ होगा। क्योंकि अगर हम देखें, हमने जो फॉर्म वाला देखा था तो आप देखो उसने इमेज नहीं ऐड किया है, लेकिन जो भी फ्रूट्स का नाम है वहां पे आइकन है। तो सर अगर आप ये देखो मैंगो, तो मैंगो के साथ एक आइकन बना हुआ है, राइट। लेकिन हमने किसी फ्रूट को ऐड नहीं किया है, अगर आप देखो तो वो आपका टेक्स्ट ही है। अगर आप देखो तो ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, तो ये इमेज नहीं है, ये केवल आइकन है। यानी कि जिस तरह आप मैंगो MNG लिखते हो, तो मुझे लगता है कि वो भी लगता है कोई आइकन ही है। वो देखना होगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इट्स ओके, उसके लिए ज्यादा हमें फर्ज नहीं करना, विल सी ऑन दैट, राइट। ठीक है, इमेज इसमें लिंकिंग का शायद इसमें होना चाहिए, आपने देखा कि नहीं। हाँ इमेज लिंकिंग तो सबसे ऊपर ही था, ये तो हम फॉर्म देख रहे हैं ना, HTML में ही हमारा इमेज लिंकिंग है। HTML में अगर आप देखेंगे तो आप स्पाइडरमैन का फोटो मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है तो आप कोई भी इंटरनेट से फोटो लेके आप लिंक कर सकते हैं। इमेज SRC इक्वल टू इमेज का पाथ देना होगा, अगर आपके लोकल कंप्यूटर में है तो आप उसको दे देंगे, सी ड्राइव जहाँ पे भी है, और अगर इंटरनेट वेबसाइट पे है तो वेबसाइट का पाथ देना होगा, तो आपका वो इमेज आ जाएगा। क्वेश्चन में जो इमेज है उससे चेंज करके दूसरा इमेज लगाना। हाँ वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई जो नहीं, यहाँ पे स्पाइडरमैन का इमेज दिया है बट आप कोई भी इमेज लगा सकते हो आप, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। मेन हमें ऐसा पेज बनाना है। तो ये हमारा पहला सेक्शन हो गया हाइपरलिंक। उसके बाद जब दूसरा सेक्शन, इसके अंदर में आपका एल आई है, एल आई के अंदर में सॉरी ऑर्डर लिस्ट है, ओएल है, ओएल के अंदर में एल आई है, उसमें पहला पिक्चर है, फिर दूसरा है, और फिर आपको HTML में देखेंगे एक टैग के अंदर दूसरा टैग आप इजिली नेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से उसने किया। फिर लास्ट है टॉम हॉलैंड का, तो टॉम हॉलैंड का पिक्चर यहाँ पे ऐड है जो भी उसके मूवीज का है, एंड कंप्लीट हो गया, यहाँ तक सारा खत्म हो गया।
उसके बाद ये भी आपका हेडर है, मोस्ट लाइकली हेडर टू या थ्री होगा। और यहाँ पे फिर आपका है, ये देखना होगा कि आपने इसको कैसे किया है। मोस्ट लाइकली इट्स लुक लाइक अ टेबल बट बॉर्डर नहीं है, तो यू नीड टू सी दैट राइट। हमने टेबल बॉर्डर प्रॉपर्टी पे काम नहीं किया है, बट आई थिंक वी कैन सी। एक बार आप लोग बनाना एंड देन विल सी। यहाँ पे आपका हेडिंग है और ये तो आपका फॉर्म है। ये कोई बता सकता है जो यूजर इन्फो है ये क्या है, बाहर का जो लाइन है? ये फॉर्म का प्रॉपर्टी है, और ये आपका है भी फिल सेट विद द लीजेंड राइट। आपने देखा कि फिल सेट में अगर हम लेजेंड के साथ करते हैं तो हमारा फॉर्म के चारों तरफ एच से बन जाता है राइट। जो हमने इसको आपको यहाँ पे देखा शिपिंग एड्रेस, तो फिल सेट के अंदर में लेजेंड टैग, लेजेंड टैग के अंदर में जो भी लिखना है लेजेंड को क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका फॉर्म डिजाइन करना है, तो यहाँ पे उसने वही किया है, फिल सेट लेजेंड इक्वल टू यूजर इन्फो। उसके बाद ये पहला जो बनाया है वो डेट पिकर है। डेट पिकर में कौन सा डेट स्टार्ट एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसने बताया नहीं है। ये सब आपके जो है प्लेस होल्डर है, ये आपका टेलीफोन नंबर है, ये ड्रॉप डाउन है, ये क्या, ये भी आपका ड्रॉप डाउन है राइट। ये क्या है, आपके रेडियो बटन है। और ये वाला क्या है, रिव्यू। कोई बताएगा ये कौन सा फॉर्म का एलिमेंट है? ये रिव्यू याद है, ये आपका टेक्स्ट एरिया है राइट। क्योंकि टेक्स्ट एरिया में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दे सकते हैं। मुझे लगता है कि नंबर ऑफ रो आपका 4 है, नंबर ऑफ कॉलम 50 कैरेक्टर का आप दे सकते हैं कि अप टू 50 कैरेक्टर वो एक्सेप्ट करेगा। और इसका कोड यहाँ पे है, तो प्रीटी मच जो भी आपको कोड चाहिए वो यहाँ पे है, आपको रेफर करना चाहिए। तो ये आपका हो गया टेक्स्ट एरिया, ठीक है। योर रिव्यू नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 30। तो ये कोई जरूरी नहीं है, आप जितना चाहे 4 एंड 50 लिख सकते हैं, अप टू यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये टेक्स्ट एरिया बनना चाहिए। और ये दोनों क्या है जो नीचे सबमिट एंड रिसेट है, ये बटन्स है राइट। ये जो रिसेट है ये कौन सा बटन है? बटन टाइप इक्वल टू, हाँ इसका बटन टाइप इक्वल टू रिसेट ही होगा, और इसका बटन टाइप इक्वल टू सबमिट है। तो यही हमारा प्रोजेक्ट है। आई थिंक सारा आपने कर लिया है पार्ट्स में, हो जाएगा। एक चीज पूछना है सर, हाँ बताइए। इमेज SRC में जो लिंक हम डालेंगे उसके नीचे दे रहा है कि ALT, इसमें क्या लिखेंगे सर? हाँ रुको, ठीक है अभी मैं जाता हूँ उस पे जो आपने बोला। हाँ तो इमेज SRC इक्वल टू, तो आप इमेज का पाथ दे देंगे जो भी है राइट। उसके नीचे ALT इक्वल टू लिखा है, तो जनरली ये क्या करता है, ये आपको दिखाई नहीं देता है। ये कब दिखाई देता है? जब किसी कारण से इमेज का लिंक ब्रोकन हो, इमेज एक्सेस नहीं कर, इसको आप बोल सकते हो अल्टरनेट राइट। अल्टरनेट है इसमें, आप उसको इसमें जनरली हम क्या लिखते हैं, ALT इक्वल टू डबल कोट के अंदर में हम लिखते हैं कि आखिर ये इमेज किस चीज का है, ठीक है, हम वो चीज लिखते हैं वहां पे। और वो हम क्यों लिखते हैं, जस्ट इन केस अगर इमेज लोड नहीं हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए हमने किसी एनिमल का फोटो अपलोड किया, तो आई पुट द ALT इक्वल टू एनिमल राइट। या फिर मान लीजिए हमने इमेज अपलोड किया है हाउस का, तो लिख देंगे हाउस फ्रॉम विलेज राइट, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ALT केवल क्या करता है, जो आपने इमेज डाला है उसी को एक्सप्लेन करता है। और ये कब दिखाई देगा, जब किसी कारण से इमेज लोड नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका इमेज किसी कारण से ब्रोकन है, URL नहीं काम कर रहा है, तो यहाँ पे इमेज की जगह पे यहाँ पे जो आप ALT लिखोगे वो दिखाई देगा, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप, ये जरूरी नहीं है, मतलब कुछ भी, मतलब इमेज को एक्सप्लेन करके। ओके और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, कुछ कुछ बोल तो आप लोग बनाइएगा, 2 आदमी 3 आदमी, एक साथ धीरज है, प्रेम है, आप लोग एक साथ ग्रुप करके और प्रोजेक्ट बनाइएगा। डॉक्यूमेंट है मोबाइल पे, ओपन करके आप देख सकते हैं जहाँ पे जो कोड लिखना है। इमेज आप कोई भी यूज कर सकते हैं और आप उसको वहां से यहाँ पे लिख करके देख सकते हैं वो कैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आप लोग बनाइए जैसा बनता है, एंड फिर अगले सेशन में हम रिव्यू करेंगे। उसके बाद HTML इज प्रीटी मच डन।
देन विल मूव टू द जावास्क्रिप्ट और सीएसएस, वहां पे और भी ज्यादा डायनेमिक चीजें होंगी, ठीक है? सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल मूव टू द सीएसएस लिटिल बिट एंड देन जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट लिटिल बिट आई विल सी दैट कि कौन सा हमें पिक करना है, ओके? एक और लास्ट क्वेश्चन था, अगर संडे का संडे हम लोग इंग्लिश क्लासेस चालू करें 2 घंटे, आप लोग ले सकते हैं 2 आवर्स इंग्लिश क्लासेस, 1 घंटा रिटेन का, 1 घंटा स्पोकन का, संडे का संडे? बेसिक भी चलेगा तो थोड़ा सही रहेगा, कि बेसिक सबको नहीं पता है, वेब डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन साथ समझ में आ रहा है बेसिक कंप्यूटर के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, तो देखो बेसिक में अगर कोई नए बच्चे भी आते हैं ना तो लेट्स कनेक्ट। मैं अभी ज्यादातर वर्ड प्रैक्टिस पे क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी से हम केवल हार्डवेयर का समझेंगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। विल गो ऑन दैट, विल टच बेसिस की सारा चीज कैसे होता है, लेकिन थोड़ा सा आप कंप्यूटर से फैमिलियर हो जाएं, देन विल गो ऑन दैट, ठीक है? तो कंप्यूटर बेसिक में एक काम कर सकते हैं कि जो लोग भी, जैसे मान लीजिए शुरू में मैंने बोला था कि जो वेब डेवलपमेंट कर रहा है वो बेसिक नहीं करेगा, लेकिन अगर बेसिक का नीड सबको है तो आप सब